की टेंशन भूल सराफा कारोबारी परिजनों के समक्ष क्रिकेट खेलकर करेंगे 2022 का स्वागत। वो बता दें कि यह मैच युवा सराफा संघ, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी, के बैनर तले होगा। इस संस्था का उद्देश्य सभी युवा व्यापारियों साथियों को एकजुट करना और व्यापार के साथ मनोरंजन, खेल, पारिवारिक कार्यक्रम आदि गतिविधियों में भी सब अपना योगदान दें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को संस्था द्वारा नववर्ष मिलन समारोह एवं फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में 4 जनवरी को किया जाएगा। सराफा प्रीमियर लीग 2022 इस साल नए स्वरूप एवं बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। इस सीजन में ग्वालियर शहर के प्रमुख सराफा बाजार संघ सोना एवं चांदी व्यवसायी संघ लश्कर, सराफा संघ चौक बाजार ग्वालियर, सराफा एवं स्वर्णकार संघ एवं समिति मुरार आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इस मैच में कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इस समारोह के उद्घाटन में आईपीएल खिलाड़ी अंकित शर्मा, सचिव जीडीसीए प्रशांत मेहता, एमपीसीसीआई अध्यक्ष विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष एमपीसीसीआई प्रशांत गंगवाल एवं सचिव एमपीसीसीआई प्रवीण अग्रवाल आदि उपस्थित रहेंगे। मैच के अंत में विजेता व उपविजेता को गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही अपना बेस्ट देने वाले खिलाड़ियों को भी विभिन्न पारितोषिक देकर उनका उत्साह वर्धन किया जाएगा। मैच के साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए भी गेम्स आयोजित किए जाएंगे। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।